नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर, जहां आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी 32 सेकंड में आधारशिला रखकर करेंगे राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ। वहीं अगर आपके पास भी है बाइक और कार, तो बता दें कि 1 अगस्त से बदल जाएंगे कार और बाइक इंश्योरेंस से जुड़े नियम, ऐसे उठाए फायदा। साथ ही सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, अब दिल्ली के घर घर पहुंचा जाएगा राशन। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे कि देश में अभी तक कोरोना मरीजों के आंकड़े क्या है और अभी तक देश में कितने लोगों की मौत हो गई है। वही एक बड़ी खबर, अगर आप भी यूज करते हैं N95 मास्क तो हो जाइए सावधान, क्योंकि सरकार ने जारी की है चेतावनी, वॉल वाले N95 मास्क को बताया खतरनाक। साथ ही 72,000 रुपए सालाना पेंशन चाहिए तो मोदी सरकार की इस योजना में कर सकते हैं निवेश, ऐसे उठाए लाभ। इसी के साथ आपको बताएंगे आपके राज्य का मौसम का हाल और साथ ही बताएंगे पेट्रोल और डीजल के आज के दाम। अगली खबर में आपको बताएंगे कि क्या हवा से फैल सकता है कोरोना का संक्रमण, अब CSIR के प्रमुख शेखर सीमाने ने दी यह सलाह। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, साथ ही नीचे गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन आए उसे भी जरूर दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी 32 सेकंड में आधारशिला रखकर करेंगे राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को 12:15 के शुभ मुहूर्त में केवल 32 सेकंड में मंदिर की आधारशिला गर्भगृह पर रखकर मंदिर निर्माण का शुभारंभ कर देंगे। इसके साथ ही मणिराम छावनी की तरफ से दान दी गई चांदी की 40 किलोग्राम की रामशिला को भी स्थापित कर दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने धार्मिक अनुष्ठान व अन्य कार्यक्रमों की जानकारी दी। वही दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 11,55,151 के पार हो चुका है और 28,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वही बात करें तो 7,24,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस के कारण 6,13,340 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वही बात करें तो 1,38,00,000 से भी ज्यादा कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। है अगली खबर की तरफ। राजस्थान संकट पर पहली बार बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने पहली बार इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बीजेपी पर राजस्थान की सरकार गिराने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के काल में मोदी सरकार लगातार कांग्रेस की सरकार गिराने का काम कर रही है। इसी के साथ अगली खबर की बात करें, चीन की बढ़ेगी मुसीबत। इसी हफ्ते मोदी सरकार लागू करेगी नया नियम। जी हां दोस्तों, बीते दिनों गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को देश में बैन लगाया, तो वही कई कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिए गए। अब सरकार एक ऐसा नियम लागू करने जा रही है जिससे चीन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।
दरअसल सरकार इस सप्ताह के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं के लिए नई नियमावली लागू करने वाली है। इसके तहत विक्रेताओं को अपने उत्पाद पर उत्पादन विनिर्माण के देश सहित कई विवरण देना अनिवार्य होगा। आसान भाषा में समझे तो विक्रेता को अपने उत्पाद पर ये बताना होगा कि सामान किस देश में या किस देश का है। खबर की बात करें तो दिल्ली एम्स में कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ। पहले 50 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। जी हाँ, पहले फेज में 375 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 100 वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन का ट्रायल होना है। इनमें से पहले 50 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। एम्स में पहले कोवैक्सीन गुरुवार को दिए जाने की संभावना है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होना भारत में कोरोना के खिलाफ जंग का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल्द ही लोगों को उनके घरों तक राशन के सामान की डिलीवरी की जाएगी। सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने की योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल इसका ऐलान किया था। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली के लाभुक को अब उनके घर पर राशन का सामान पहुंचाया जा सकेगा। अगले 6 से 7 महीने में होम डिलीवरी की शुरुआत हो जाएगी। वहीं राहुल गांधी ने आज फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जी हां, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कोरोना काल में मोदी सरकार की 7 महीनों की उपलब्धियां गिनाई है। राहुल गांधी ने सरकार पर राजस्थान की गहलोत सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां। फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 26 साल गिरा, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। अगली खबर की तरफ, ट्रंप ने अब मास्क पहनने को बताया देशभक्ति का काम, कहा चाइना वायरस को हरा देगी। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त तक बिना मास्क के रैलियों और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले ट्रंप ने सोमवार को मास्क पहनने को देशभक्ति का काम बता दिया। इससे पहले कई मौकों पर ट्रंप बिना मास्क के नजर आए थे, जिसके बाद उन्हें काफी आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा था। ट्रंप ने मास्क पहने हुए अपने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है, हम अदृश्य चाइना वायरस को हराने के लिए एकजुट है, और कई लोग कहते हैं कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जा सकती तो मास्क पहनना देशभक्ति का काम है। फिर यहाँ पर मेरे से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, आपका पसंदीदा राष्ट्रपति। कल बरस रहे मॉनसून ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश की पानी से मुजफ्फरपुर का हर इलाका डूब गया। सोमवार की अगली सुबह शुरू हुई जमाजम बारिश ने शहर में बाढ़ जैसा दृश्य ला दिया है। लोगों को 2007 में हुई बारिश की याद आ गई है। शहर में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। शहर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं जहां 2 से 3 फीट तक पानी नहीं जमा है। शहर के सबसे ऊंची जगह माने जाने वाले कमलमबाग चौक, मेहंदी हसन चौक, ब्रह्मपुरा जैसी जगह पर भी 2 फीट पानी है। मौसम विभाग ने 72 घंटे तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबर बची हुई है, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कुछ स्थानों पर अगले 2 दिन में भारी बारिश हो सकती है। इसमें कहा गया कि दिल्ली के शेष इलाकों तथा आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 21, 22 और 24 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा व हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व उत्तरी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा तथा 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होगी। शेष राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। तो आज देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपीज 43 पैसा प्रति लीटर है, वही डीजल की कीमत 81 रुपीज 64 पैसा प्रति लीटर है।
IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82.10 रुपीज, 87.19 रुपीज और 83.63 रुपीज प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमशः 76.77 रुपीज, 79.83 रुपीज और 78.60 रुपीज है। अगली बड़ी खबर की तरफ, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI मोटर थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस से जुड़े नियम में बदलाव करने जा रही है। IRDAI के निर्देशों के अनुसार इसके बाद से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए कार का बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। कंपनी ने पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है। ये नियम लागू होने के बाद उन लोगों पर इसका सीधा असर होगा जो 1 अगस्त के बाद नई कार खरीदने जा रहे हैं। भाई दोस्तों, अगर आप भी कोरोना से बचने के लिए N95 मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की ओर से मास्क को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में N95 मास्क को कोरोना के लिए खतरनाक बताया गया है। सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इसका प्रयोग उस पर रोक लगाने के लिए कहा है। सरकार की ओर से बताया गया है कि N95 मास्क में लगा वॉल्व कोरोना वायरस को बाहर निकलने में मदद नहीं करता है। N95 मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शोध अध्ययन से जुड़ी भारत की प्रमुख संस्था CSIR ने कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच यह सलाह दी है कि संक्रमण के बचने के लिए हर व्यक्ति को मास्क पहनना चाहिए। संस्था ने यहां तक कहा कि बंद जगहों पर सबको मास्क पहनकर रखना चाहिए। CSIR ने यह सलाह तब दी है जब WHO ने भी यह मान लिया है कि कोरोना वायरस का प्रसार हवा से संभव है, भले ऐसी सीमित मात्राओं में और कुछ निश्चित अवधियों के लिए होता है, लेकिन हवा से कोरोना का प्रसार संभव है। ऐसी परिस्थिति में खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस बात पर जोर देते हुए डॉक्टर शेखर सीमांडे ने लिखा है कि आसान उपाय है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाए। पेशों के साथ साथ किसान, कारोबारी, छोटे दुकानदार सभी के लिए कोई न कोई पेंशन योजना चला रही है। इसमें व्यापारियों के लिए NPS फॉर ट्रेड्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस योजना चल रही है। इसके तहत सब्सक्राइबर को 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। बता दें कि अगर पति और पत्नी दोनों योजना के लिए पात्र है तो दोनों इसे चुन सकते हैं। ऐसे में 60 साल का होने के बाद उन्हें संयुक्त तौर पर प्रति माह 6,000 रुपए मिलेंगे, यानी साल के 72,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गई घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।